ओ देवा महादेवा सजुगादा मल्लिगे महादेव निम्मा हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं एक चीज़ फिर से बता दूं कि आज का लेक्चर हमारा 5 है कायदे से। एक लेक्चर हमारा मतलब टाइटल में से आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, है ना, उसको हम करेक्ट कर देंगे। आज का लेक्चर नंबर 5 है। क्लास जो पिछली हमने क्वेश्चंस की थी वो केवल एप्लीकेशन पर मिलेगी, मतलब पिछली से जो पिछली क्लास हुई थी, तो क्वेश्चंस हम केवल एप्लीकेशन पर ही रखते हैं सेपरेट, सो दैट वही बच्चे करें जो थोड़े सीरियस हैं। बाकी जिनको क्या है 50-60% वाले हैं, 70% का ठीक है सर, थ्योरी पढ़ लेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। सही बात है। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए हैं लाइव, और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास। और आज मेरा आपसे वादा है, ठीक है, प्यार भरा वादा है कि आज की कक्षा को हम थोड़ा छोटा ही रखने वाले हैं। हर बार मैं कहता हूँ क्लास छोटी रखने वाले हैं, पता ख़त्म होती तो 1 घंटा हो गया। मैंने कहा अरे यार ये क्या है। आज का टॉपिक बड़ा आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैथ वालों को तो कुछ ज़्यादा ही आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो भी तो बहुत जल्दी अपन फ्री करेंगे इस टॉपिक को। चलें देखें। तो आज हम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कल हम क्या पढ़ चुके हैं। तो पिछली कक्षा में हमने अभिक्रिया की आणविकता पढ़ी थी, और आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है ये चीज़ हमने पढ़ी थी। आणविकता बोले तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एनी रिएक्शन, और कोटि क्या होता है हमारे पास में ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन। अच्छा, तो आणविकता क्या था अभिक्रिया की आणविकता, कि भैया किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में, आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित नहीं है। तो किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में कोई भी जो हमारे पास में स्पीशीज हैं, जो अभिक्रियक हैं उनकी जो स्पीशीज है, जैसे अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, वो एक साथ एक समय पर आकर के उचित विन्यास में जब आकर के टकराते हैं, संघट करते हैं, टक्कर करते हैं, और टक्कर के परिणाम स्वरूप अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उनकी जो संख्या है स्पीशीज की, उसी को हम लोग आणविकता बोलते हैं। कितने परमाणु एक टाइम पर टकरा रहे हैं आकर के, 2, 1, 3। फिर हमने ये भी समझा था कि 3 से ज़्यादा टकरा नहीं सकते एक ही टाइम पर सही आकर के स्पेस में, तो फिर ऐसी अभिक्रियाओं की होने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती। मतलब कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा 3 परमाणु आके या 3 अणु आके या 3 आयन आकर एक साथ एक समय पर टकरा सकते हैं, इससे ज़्यादा फिर नहीं टकरा सकते। तो इसीलिए जो जटिल अभिक्रियाएँ होती हैं, जो बड़ी अभिक्रियाएँ होती हैं, वो एक से ज़्यादा पदों में होती है। पहले कुछ टक टक टूट के कुछ बन जाता है, फिर वो जुड़ के टूट के कुछ और बनता है, फिर वो जुड़ के टूट के कुछ और बनता है, और फिर फाइनली कुछ और हमें मिलता है। तो मतलब एक अभिक्रिया काफ़ी सारे पदों में घटित होती है, ये हमने समझा था। और कोटि में हमने देखा था कि जो जटिल अभिक्रिया होती है उसकी कोटि हम लोग कैसे बताते हैं। तो जटिल अभिक्रिया में वो पद जो मंद पद होता है, ठीक है, उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, तो उसकी कोटि ही जटिल अभिक्रिया की कोटि होती है। और फिर हमने इनमें अंतर देख लिया था, तो आई होप आपको रिविजन भी हो गया होगा और थोड़ा बहुत अब याद भी हो गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में आज की कक्षा में, तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक बात है क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया बोले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज शुरू करते हैं हम लोग, तो हेडिंग डालो सब जने, शून्य कोटि अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें भी हमें सब टॉपिक में क्या पढ़ना है, शून्य कोटि अभिक्रिया, और इनको पढ़ना क्यों जरूरी है। शून्य कोटि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, हम ना इनके आज की क्लास में समाकलित वेग समीकरण की बात करने वाले हैं। भाई मैथमेटिक्स वालों को थोड़े से शब्द परिचित लगते होंगे, समाकलित वेग समीकरण, बायो वाले सर पकड़ लेंगे, तो टेंशन मत लें, मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा एक एक स्टेप, तो उसको फिर थोड़ा याद कर लेना। पूरा समाकलन तो नहीं सिखाने बैठूंगा मैं आप लोगों को, इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन हाँ हम इंटीग्रेटेड रिएक्शंस की बात करेंगे आज की इस क्लास में। तो हमें कायदे से हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को थोड़ा अच्छे से समझना है। तो इसके सूत्र उत्तर बनाने हैं 1-2, और उन सूत्रों को याद रखना है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो सीधा उस सूत्र को हमें काम में लेना है। और उसमें भी शून्य कोटि में और प्रथम कोटि में ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया,
मतलब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी हम देखेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से भरी हुई है, उदाहरण भी हम देखेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से भरे हुए हैं, दूसरी किताबें भी अगर आप लोग देखोगे तो वो भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के ही क्वेश्चन से भरे हुए हैं, शून्य कोटि के कोई एक के दुख के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है, मतलब कहने का मतलब है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो हम शुरू करते हैं, देखो फिर मैं आपको बीच में समझाऊंगा कि ये चीज होती क्या। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें, जैसे हम एक सरल अभिक्रिया मान लेते हैं, लेट्स से हमारे पास में कोई हमारे पास में रिएक्टेंट है, वो क्या बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, और 99% केसेस में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको, जो अलग अलग किताबें होंगी जिसमें भी जो हम पूरा अभी एक सूत्र बनाएंगे वो इसी से ही बना हुआ होगा, आरपी ऐसे लिखा हुआ होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दो चीज़ें हैं यहाँ पे फिर यहाँ पे एक दो चीज़ें नहीं, सिंपल इसके लिए ही बना रखी है अपने शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं पर असल में, वो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे क्यों। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी कब, जब हम इसका वेग व्यंजक लिखें, और वेग व्यंजक हमारे पास में क्या होता है, के होता है, और सांद्रता यहाँ पर होती है हमारे पास में, और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कब होगी, जब इसकी सांद्रता की पावर जीरो हो। तो कोटि यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगी, जीरो। कोटि यहाँ पर इसकी हमारे पास में क्या आ जाएगी, जीरो। अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं वास्तव में मतलब क्या है यार, और फिर हम इस पर आगे की चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर के जो है सर हमारे पास में, के हमारे पास में वेग स्थिरांक है, क्या है, वेग स्थिरांक बोलते हैं इसको, या रेट कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं, वेग रेट ही हो गया एक तरह से, और स्थिरांक एक फिक्स संख्या होती है किसी अभिक्रिया के लिए हमारे पास में। किसी की भी पावर जीरो होने का क्या मतलब होता है, किसी की भी पावर जीरो होने का मतलब होता है वन, उसका मान कितना है हमारे पास में, वन। मतलब अगर मैं कायदे से यहां पर देखूं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखूं, तो वेग बराबर है के इंटू वन के, या फिर मैं इसको सीधा यूं ही लिख दूं ना कि सर वेग बराबर है के बात ही खत्म करो, वेग बराबर है किसके, के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया का जो वेग है, इसका मतलब है सर अभिक्रिया का जो वेग है, जो दर है, वो अभिक्रियक की सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका जो वेग है वो आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आर ज्यादा हो कम हो फर्क ही नहीं पड़ रहा सर उससे। तो यहां पर हम कह रहे हैं अभिक्रिया का वेग अभिक्रियक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, कि सांद्रता कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहा, समझ में आई सबको, रेट कांस्टेंट है। कहने का मतलब यह है आपने खूब सारा कोई आर पदार्थ लिया, रासायनिक अभिक्रिया होना चालू हुई, आर कम हो रहा है पी बढ़ रहा है, आर कम हो रहा है पी बढ़ रहा है, तो अभिक्रिया के होने की एक रेट है, एक उसकी कांस्टेंट, एक फिक्स वेग से अभिक्रिया हो रही है, वो जो वेग है ना वो बदल ही नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि के क्या है, एक स्थिरांक है। तो इस अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग है वो फिक्स वैल्यू है सर, फिक्स, बदल ही नहीं रही, मतलब अभी भी वही है, दो मिनट बाद भी वही है, तीन मिनट बाद भी, जब तक पूरी अभिक्रिया नहीं हो जाती रेट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या मतलब है इसका, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, यहां पे प्लॉट कर देते हैं, एक दो ग्राफ बन सकते हैं, बट जैसे एक ग्राफ में मान लो प्लॉट कर रहा हूं यहां पे, कि लेट्स से हम क्या क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, हमें किसको किसको दिखाना है, वेग को दिखाना है जो कि एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरी चीज़ हम लोग ले लेते हैं सांद्रता। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक्स अक्ष पर क्या ले रहा हूँ, सांद्रता, किसकी सांद्रता ले रहा हूँ मैं, हमारे पास में रिएक्टेंट जो है आर, उसकी सांद्रता ले रहा हूँ, और वाई अक्ष पर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर लेट से मैं ले लेता हूँ वेग, ठीक बात है क्या, वेग ले लिया मैंने। तो मान लीजिए जब अभिक्रिया मैंने शुरू की थी ना, तो मेरे पास में वैसे सांद्रता मेरे को यहाँ लेनी चाहिए थी, वेग यहाँ लेना चाहिए था, बुक्स में ऐसे कर रखा होता तो ऐसे कर लेते हैं अपन, बाकी समझना है कैसे भी समझ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सांद्रता ले लो आप बुक्स में, क्योंकि ऐसे दे रखा होता है सांद्रता, और यहाँ पर आप ले लो वेग, ठीक बात है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, सांद्रता आर नॉट, नहीं यार गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सांद्रता हमारी कम हो रही है तो भी वेग हमारे पास में कॉन्स्टेंट है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर,
तो भी अभिक्रिया का जो वेग है हमारे पास में कांस्टेंट है, तो फिर इसको यूं ही बनाना थोड़ा सा ठीक रहेगा। सॉरी है ना, मैं ये वाला ग्राफ क्या अपने एनसीईआरटी में नहीं दे रखा होता, लेकिन मैं फिर भी बना करके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप यूं समझे कि यहाँ पर सांद्रता है हमारे पास में आर, और यहाँ पर है हमारे पास में वेग। तो वेग हमारे पास में कॉन्स्टेंट है ऐसे, सांद्रता समय बढ़ रहा है सांद्रता कम हो रही होगी ना, सांद्रता कायदे से कम हो रही होगी। यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो वेग है हमारे पास में वो फिक्स वैल्यू है, वो वेग चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट रिएक्शन, जो वेग है वो नहीं बदल रहा है। बस मैं ये चीज इस ग्राफ से जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। समझ रहे हैं सब जने इस बात को मेरी? ये वाला ग्राफ बुक में नहीं है, तो अगर आपको वहां नहीं भी मिले तो आप टेंशन ना लें, ये दूसरी बुक में था एक ग्राफ, तो मैंने वहां से ले लिया था। यहां तक क्लियर है क्या सबको? बढ़े आगे बढ़े अगर यहां तक क्लियर है तो। सो जुगादा मल्ले रे महादेव देवा, सर एक दो या तीन क्यों नहीं? सर जी सॉल्व प्रॉब्लम क्या, एक दो या तीन क्यों नहीं? अच्छा यहाँ पे कह रहे हो, आकाश कह रहा है सर यहाँ पे एक दो तीन क्यों नहीं लिखा? बेटा शून्य कोटि के ना, आपने पहले टॉपिक ही ले लिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो कोटि तो आपने पहले ही फिक्स कर दी ना जीरो, और किसी की भी पावर जीरो करोगे तो वन आएगा। वेरी गुड इवनिंग शालिनी, शालिनी ले लिया आपका नाम, ठीक है। अभिषेक बोतलें क्यों भेज रहा है? दीपक सबको क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या, वापस समझाऊं? लो देखो फटाफट से देखो, शब्द ने शून्य कोटि की अभिक्रिया को खोल के पढ़ रहे हैं। शून्य कोटि मतलब कोटि बराबर कितनी है? जीरो है, फिक्स कर लिया पहले, ठीक है। तो इसका समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे, अभी निकाला नहीं है, अभी नहीं निकाला, ये चीज निकालेंगे। तो मैंने पहले आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो मान लिया कि एक अभिक्रिया है, उसमें कोई अभिक्रियक है R, उससे उत्पाद बन रहा है P। तो इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं वेग बराबर K लिखते हैं, K क्या है हमारे पास में वेग स्थिरांक होता है, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं? अभिक्रियक की सांद्रता, और अभिक्रियक की सांद्रता की यहां पर घात कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि वही कोटि होती है, टोटल जो घातें होती है वो कोटि है, यहां पर एक ही चीज है और कोटि हमने जीरो कर रखी है, तो जीरो हो जाएगा यहां पर। तो वेग स्थिरांक है ये हमारे पास में, तो वेग हमारे पास में क्या आ जाएगा? के गुणा वन, क्योंकि आर की घात जीरो कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो वेग मेरे पास में क्या आ जाएगा? के। इसका मतलब वेग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है? एक फिक्स संख्या होती है, जो वेग है वो परिवर्तित नहीं होता, एक फिक्स संख्या रहती है पूरे में। भाई जैसे आर जो है आपकी सांद्रता मान लो कम होती जाएगी, शुरू में आपने 100 ग्राम आर लिया था, अब वो कम हो रहा है क्योंकि पी बनता जा रहा है, तो 100 ग्राम में से 90 ग्राम बचेगा, 80 ग्राम बचेगा, 60 ग्राम बचेगा, थोड़ी देर के बाद 50 ग्राम बचेगा, 10 ग्राम बचेगा, फिर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो R जो है वो खत्म होता जा रहा है आपके पास समय के साथ में, ऐसा मान रहे हैं हम लोग, परिवर्तित होता जा रहा था समय के साथ में, लेकिन वेग का मान फिक्स है, वेग का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं, एक दो हैं हमारे बुक में, दो एग्जांपल दे रखे हैं, तो बता दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। तो अब देखें आगे बढ़ रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, अभिक्रिया की सांद्रता कम हो रही है लेकिन वेग उतना का उतना ही है। अच्छा देखें यहाँ पर, तो कैसे समझेंगे अब हम इसको? तो हमने कहा कि सर अभी अभी जो हमने लिखा था वेग व्यंजक हमारा क्या था? वेग व्यंजक था हमारा के आर की घात जीरो। अब आप ध्यान से समझे, इसको हमने वन कर दिया था तो एक के बचा था। अब ये जो वेग है हमारे पास में, थोड़ा सा ध्यान से इसको लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसी को ही हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं, माइनस का डी आर अपॉन डी टी। याद है क्या आप लोगों को या नहीं है ये चीज याद, कि जो वेग व्यंजक है उसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे भाई, ये जो वेग शब्द जो है ना इसको ऐसे भी लिखते थे कि आर के परिवर्तन की दर, तात्क्षणिक वेग, याद करो, याद करो, तात्क्षणिक वेग पढ़ा था ना अपने, तात्क्षणिक वेग। ये चीज है किसके इक्वल आ रहा है? के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये चीज तो वन हो गई, ये चीज तो हमारे पास में वन हो गई। कोई समस्या है किसी को, कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं होनी चाहिए। अब सुने एक छोटा सा मैं काम कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे नहीं लिख सकता क्या इसको मैं? माइनस का के, अब वो आगे जो चीज है सो है, लेकिन अब भी नहीं है, ये माइनस को मैंने उधर डाल दिया, माइनस को मैंने उधर डाल दिया,
कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? बोले सब जने चैट में, भाई याद है भी कि नहीं, बोलो। याद है, याद है सर। दीपक, गुड इवनिंग राहुल भैया। सुदीक्षा बेटा लेट हो गए क्या? प्रिया, हाय प्रिया कैसी हो? प्रिया खुद ही लिख रही है, हाय प्रिया कैसी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो ये याद होगा अब आप लोगों को। अब देखो मैं बताता हूं तुम्हारे को समस्या क्या है। इसका हम ना कोई आचार डाल नहीं सकते। हमें एक ऐसा समीकरण चाहिए जो भविष्यवाणी करे, हमें एक ऐसा समीकरण चाहिए जो भविष्य बता सके। हमें तो हम सबको चाहिए ना, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा भविष्य बता रहा कितना खुश हो जाओगे। ये भविष्य नहीं बता पा रहा। क्यों नहीं बता पा रहा? थोड़ी देर आप जो मैं कह रहा हूं वो मान लो, फिर मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। तो यहां पर देखें, हम करेंगे समाकलन। अब जो गणित के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हलवा है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये जानी दुश्मन हो सकता है। तो बायो वाले खास करके ध्यान से देखो इसको। मैं कह रहा हूं कि सर हम इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है? डी आर बराबर डी टी को वहां गुणा कर देंगे तो माइनस का के इंटू डी टी हो जाएगा। ये करेंगे सर। अच्छा फिर क्या करेंगे सर? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान समझना, लिमिट ओ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है? ये डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, अवकलन, और इंटीग्रेशन ऐसे ऐसा निशान बनाते हैं, कभी बनाएंगे अपन, वो होता है हमारे पास में समाकलन। तो इसका समाकलन करेंगे हम लोग। तो समाकलन करेंगे तो यहां पर किसका समाकलन हो रहा है? आर का, इसका। और इस तरफ किसका समाकलन हो रहा है? तो इस पूरे का अगर हम समाकलन करेंगे तो समाकलन केवल बदलने वाली चीज का होता है। किसका होता है सर? केवल जो है समाकलन बदलने वाली चीज का होता है। समझ रहे हैं क्या समझने वाली बात? समाकलन केवल बदलने वाली चीज का होता है। के कांस्टेंट है तो वो समाकलन से बाहर रखते हैं उसको। अब यहां पर क्या है, हमारे पास में एक चीज होती है लिमिट्स। क्या होती है? लिमिट्स। अच्छा लिमिट्स का यहां पर क्या मतलब होता है बताता हूं मैं आपको। भाई बदल रहा है ना, कुछ ना कुछ बदल रहा है। मान लो अभिक्रिया शुरू हुई, अभिक्रिया क्या है हमारी, R से क्या बन रहा है? P बन रहा है। तो सबसे पहले मतलब जब अभिक्रिया शुरू हुई तो टाइम क्या है हमारे पास में? T0। शुरू में जब शुरू हुई है अभिक्रिया तो टाइम क्या ले रहे हैं हम? T0 ले रहे हैं, जीरो टाइम पे शुरू हुई है। जैसे मान लो मैंने अभी 8:20 हो रही है तो 8:20 को T0 मान दिया मैंने, कि अभी मैं अभिक्रिया शुरू कर रहा हूं, तो मैंने अभिक्रिया शुरू कर दी। और जब मैंने अभिक्रिया शुरू किया ना, तो आप ध्यान देना कि जो मेरे पास में R है असल में, उसकी सांद्रता मेरे पास में कितनी है? R नॉट मान लेते हैं अपन। मतलब पूरा का पूरा R है हमारे पास में, पूरा का पूरा अभिकर्मक। समझे क्या आप मेरी बात? पूरा का पूरा अभिकर्मक है। और इसको मैं क्या कह रहा हूं कि शुरू में, मतलब शुरू हुआ है अभी काम, अभिक्रिया शुरू की है जस्ट हमने की है बस। तो समय कितना है? T0 हो रहा है। और R जो टोटल चीज है हमारे पास में, पूरा का पूरा ना 100 ग्राम R लिया था अभिक्रिया करके P बना रहे, तो 100 ग्राम का 100 ग्राम है, और ये इसका मतलब है पूरा R, पूरी सांद्रता है, कंप्लीट। ठीक है सर, थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में, अब मेरे को जगह तो बहुत चाहिए वैसे, तो यूं आप मान लें थोड़ी देर बाद, तो थोड़ी देर बाद हमारे पास में टाइम हम मान लेते हैं कि अब कितना हो गया, थोड़ी देर बाद टाइम टी हो गया सर, टी टी मान लिया अपन ने, खत्म करो। ठीक है, और ये जो चीज है हमारे पास में आर जो है, उसको आर मान लो कम हो गया, तो आर जो है सांद्रता हमने क्या मान ली? आर मान ली, मतलब ये बाद की सांद्रता है। इसको मैं बोल रहा हूं बचा हुआ, कि बचा हुआ। और ये टाइम कितना हो सकता है? 5 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है। ठीक है, टाइम टी है कुल मिलाकर के। थोड़ी देर बाद में अभिक्रिया हुई, वो कम हो गया, थोड़ा खर्च हो गया, अब थोड़ा बचा है हमारे पास में, और टाइम 5 मिनट लगा ऐसा मान लो। तो यहां पे देखो लिमिट्स क्या होगी, कि इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक कर रहे हैं, कि जो हमारी वस्तु है वो क्या थी, उसकी सांद्रता हमारे पास में शुरू में आर जीरो थी, और बाद में कितनी हो गई हमारे पास में? आर हो गई। और यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर शुरू में टाइम कितना था हमारे पास में? टी जीरो था, जो कि बाद में कितना हो गया? टी हो गया। और एक छोटी सी चीज और, एक छोटी सी चीज और आप ध्यान देंगे, एक छोटी सी चीज हम लोग ध्यान देंगे यहां पर, यार शुरू शुरू में टाइम शुरू ही तो कर रहे हैं, तो वो तो फिर जीरो ही हो गया ना भाई। टाइम शुरू ही तो कर रहे हो,
तो टी जीरो को तो फिर जीरो ही ले लो ना भाई, टी जीरो टाइम पर बात कर रहा हूं मैं, तो इसको जीरो ही लेके खत्म करो भाई। ये जो मान है हमारे पास में, ये जीरो ही तो है ना, शुरू में तो जीरो ही है ना यार, टी जीरो को जीरो ले लिया खत्म, ठीक पता। अच्छा ठीक है सर, सही कह रहे हैं सर, करें इसको हल करें। तो कैसे हल होगा, इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन वन होता है, फिर उस पर लिमिट लगती है, तो क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर, इसकी लिमिट हमारे पास में लगेगी आर, और नीचे है हमारे पास में आर नॉट। ये डब्बे डब्बे मत बनाओ यहाँ, तो फिर मैं काम करता हूँ डब्बे हटा देता हूँ, लास्ट में बना दूंगा सीधे, तो ये दिखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। आर आया हमारे पास में, लिमिट क्या आई हमारे पास में, ऊपर आर और नीचे आर नॉट है, माइनस में इक्वल टू में इधर क्या है हमारे पास में, माइनस का के, और इधर लिमिट क्या आएगी हमारे पास में, तो ये आएगा ऐसे टी, और ऊपर है हमारे पास में टी और नीचे है हमारे पास में जीरो, लिख दिया मैंने सीधे। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ध्यान से देखो, ये ऊपर आएगा हमारे पास में आर माइनस आर नॉट। अच्छा मैंने एक छोटी सी गलती की है क्या, नहीं मैंने सही किया, सब कुछ सही किया। आर माइनस आर नॉट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव ऑफ के टी, तो ये के और ब्रैकेट में आएगा हमारे पास में टी माइनस टी नॉट, टी नॉट का मान कितना मेरे पास में, जीरो है। यहाँ पर ध्यान से देखें सब जने, टी नॉट का मान है हमारे पास में जीरो। इसको यहाँ पर फटाफट से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, आर माइनस आर नॉट बराबर, बाय वाले क्षमा करें ये गणित है, ये साइंस भी नहीं है, ये गणित है। तो माइनस का के टी क्या बचेगा, माइनस का के टी, इसको हल करेंगे फटाफट से, तो आपके पास में आर का मान कितना आएगा सर, तो आर नॉट माइनस का के टी आपके पास में मान आएगा। अब डब्बे बना लो, अगर अब आप चाहो एक बार के लिए कि नहीं सर डब्बे वाला सुंदर लगता है हमें, तो तुम डब्बे बना लो एक बार कि आर बराबर आर नॉट माइनस का के टी, ये हमारे पास में समीकरण आ गई, और यही हमारी भविष्य बताने वाली समीकरण है, ये हमको भविष्य बता देती है। कैसे बताएंगे, अभी बताएंगे तुमको, मतलब एक बेसिक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि इसमें क्या हो रहा था, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख रहे थे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे थे तो आपको ध्यान होगा एक ग्राफ आता था हमारे पास में, फिर उस ग्राफ में हमें ना एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचते थे किसी एक बिंदु पर, अगर हमें तात्क्षणिक क्या निकालना होता था, वेग निकालना होता था, तो उस ग्राफ में हम एक स्पर्श रेखा खींचते थे, फिर उसमें एक पॉइंट, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता था थोड़ा सा। तो हमारी बुक कह रही है कि जो हमारे पास में अवकलन वाली समीकरण है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, इससे तात्क्षणिक वेग निकालना माथे का दर्द है, और हम क्या होता है अलग अलग समय पर, हम ये नहीं बता सकते कि दो मिनट बाद हमारे पास में अभिकर्मक कितना बचेगा। अगर जैसे मान लो हमें वेग पता भी है तो हम काफी चीजें इसमें से आसानी से नहीं बता पा रहे, लेकिन यहां पर हम बता सकते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे को ये पता है कि के क्या है, के का मान मेरे को पता है और शुरू की सांद्रता मेरे को पता है, और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दो मिनट बाद क्या होगा, तो दो मिनट समय भी मेरे को पता है, तो मैं बता सकता हूं कि दो मिनट बाद मेरे पास अभिकर्मक की सांद्रता कितनी बचेगी, इतनी बचेगी सर। आपको बात समझ में आ रही है मेरी, ये भविष्य बता सकती है समीकरण, इसके पास में जादू है, जादू शक्ति है इसके पास में। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन करने से पहले आप ये तो समीकरण याद कर लो, पहली चीज इस समीकरण को आप घोट के पी जाएं। तो ये समीकरण क्या है हमारे पास में, फिर से लिख रहा हूं देखो मेरे यहाँ पे, आर डब्बा मतलब आर सांद्रता बराबर क्या है, आर नॉट माइनस के टी, ये हमारे पास में समीकरण है, इसको आप याद कर लें। ये समाकलित समीकरण है, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या समाकलित वेग समीकरण है, किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया का, ऐसा ही हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का करेंगे, कल करेंगे आज नहीं करेंगे। तो इसमें ना हम थोड़ा सा अभी लॉजिक लगाएंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर ये आर बराबर है माइनस का के टी प्लस का आर नॉट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपकी मर्जी सर, आप जो बोलेंगे वो मान लेंगे, यही होना चाहिए। क्या है सर, इसकी तुलना करनी है m y is equals to mx plus c से, एक लाइन की समीकरण तुम सब लोगों को पता है क्या, y बराबर mx plus क्या होता है हमारे पास में, c होता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, y की तरह काम कर रहा है, ये माइनस का जो k है ना, ये क्या है हमारे पास में m है, ये क्या है t है, और ये क्या होता है c के बराबर होता है। अगर ये चीज नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है,
आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें जिसमें कि एक्स अक्ष पर हम लोग क्या लेंगे, समय लेंगे, टाइम टी, ये रहा समय आपके पास में, समय, समय, ठीक बात है, समय। और वाई अक्ष पर हमें क्या लेनी है, सांद्रता। क्या लेंगे सर यहां पर हम लोग, सांद्रता, और सांद्रता क्या है हमारी, आर, ये सांद्रता लेंगे सर, ठीक है। तो अब जब हमने अभिक्रिया शुरू की थी, थोड़ा लॉजिक से समझना, लॉजिक से पकड़ना मेरी बात को, हमने जब अभिक्रिया शुरू की थी तो मान लो यहां पे शुरू की थी, मतलब इस जगह पर हमारे पास में सांद्रता कितनी थी, फुल सांद्रता थी, पूरा का पूरा अभिकर्मक था। अब धीरे धीरे समय के बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा, अभिकर्मक कम होगा। यहां से हमने शुरू की है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो अभिकर्मक जो है वो कम होता जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसा एक ग्राफ देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है अभिकर्मक कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, लास्ट एक समय ऐसा आ जाएगा जैसे मान लो एक घंटे बाद कि पूरी का पूरा अभिकर्मक खत्म हो गया, पूरा का पूरा उत्पाद पी बन चुका है, डांस करो आप सब जगह। अच्छा ठीक है, तो यहां से इस समीकरण से हमें क्या क्या चीजें पता चल रही है, तो यहां से इस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि ये जो एम होता है ना हमारे पास में, ये जो एम है ये असल में क्या होता है, ढाल होता है। एम बराबर क्या होता है, ढाल। और इसका मान यहां पे कितना दे रखा है हमें, माइनस के दे रखा है, बहुत खुशी की बात है, तो बहुत आसान हो गया, के का मान तो हम निकाल सकते हैं आराम से। के क्या होता है, वेग स्थिरांक ही तो होता है, तो अगर वेग स्थिरांक आपको पता चल गया तो उसके आगे माइनस लगा दो, वही आपका ढाल हो जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, ढाल हो जाता है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, दिल तक रखना, इसको छुपा करके रखना, कि गणित में ऐसा बोलते हैं कि जो ढाल होता है ना, स्लोप जो होता है, इसको स्लोप बोलते हैं अंग्रेजी में, ये जो स्लोप होता है ना सर, ये टेन थीटा के बराबर होता है। क्या, टेन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस के का मान यहां पर किसके बराबर होगा, टेन थीटा के मान के बराबर होगा। सर टेन थीटा क्या होता है, बच्चे, प्यारे बच्चे हमारे पूछेंगे सर टेन थीटा क्या होता है। अच्छा देखें, तो ये थीटा है, ये थीटा, कोई ग्राफ बना करके दे दे, बोले सर टेन थीटा का मान इतना होता है। अब बेटा मैं इतनी ज्यादा गणित में नहीं जाऊंगा कि मान लो थीटा का मान आपको यहां पर 135 दे दो, तो टेन 135 का मान कैसे निकालते हैं मैं नहीं सिखा रहा, यहां पे निखिल सर से पूछ लेना जाकर के। वैसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, खींच खींच करके आपके दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। मतलब मेरा साइंस बताने का काम खत्म हो गया यहां पर, क्वेश्चन आएंगे तो चलो मैं फिर भी बता दूंगा, बट हाँ साइंस बताने का मेरा काम खत्म हो गया कि ये थीटा है और टेन थीटा हमारे पास में क्या होता है, ढाल होता है। और यहां पर ढाल हमारे पास में कैसा है, नेगेटिव है। यहां पर ढाल कैसा है हमारे पास में, ऋणात्मक, नेगेटिव है। नेगेटिव ढाल मतलब ग्राफ ऐसे बनता है, पॉजिटिव ढाल में ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब अगर कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है ना तो ये ढाल कैसा है उसका, पॉजिटिव है। एम कैसा आएगा, यहां पर पॉजिटिव होगा। ये गणित का टॉपिक है, समझ में आ रही है सबको वाली बात। तो ये ग्राफ जरूरी है, ये ग्राफ बुक में भी बना हुआ है, तो ये ग्राफ आपको जरूर से बनाना है और जरूर से समझना है। यहां तक सबको समझ में आ गई क्या, सबको समझ में आ गई है तो दे ताली करें यहां पर। प्रिया कह रही है सर भैया हम मैथ वाले हैं सब जानते हैं। ये निखिल कह रहा है सर, निखिल सर का भक्त कह रहा है अभिषेक, फर्जी है सर, सब फर्जी है, ये सब फर्जी है, मत पढ़ो तुम, बैठ जाओ घर पे, मत करके आना एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ रेखा का समीकरण है करेक्ट, अंतःखंड है, सी जो है अंतःखंड है करेक्ट। सी ये है कि ये जो है हमारे पास में इक्वेशन कहाँ पर काटेगी, है ना, एक्स से कितनी शिफ्टेड है इक्वेशन, वैसे देखते हैं इसको हम लोग। सी ये कॉन्स्टेंट है हमारे पास में, हाँ भाई करेंगे विक्की, क्यों नहीं करेंगे, कोर्स खत्म, हमारा तो रिवीजन करने का भी मन है, इसीलिए तो स्पीड बढ़ा रखी है अभी, डेली के डेली तुम्हारा खून पीने आ जाता हूँ मैं। समझ गए सब जने, ठीक है चलें बढ़े आगे। सर इसका हाफ लाइफ भी दिया, हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं अब, इसके बाद पढ़ेंगे ना बेटा, सब कुछ एक साथ ही पढ़ लो तुम, है ना, होशियार हो तुम। हेलो डियर राहुल सर, आई एम सौम्या यादव। ओके सौम्या बेटा, आज बात हुई थी ना आपसे, आप तो टेंथ में बेटा, क्या कर रहे हो ट्वेल्थ की क्लास में। आर के जगह पर ए नहीं लिख सकते हैं, लिख लो ना ए लिख लो, आर रिएक्टेंट है, ए लिखो, एक्स लिखो, तुमको जो मर्जी पढ़े लिखो, कंसेप्ट समझो ना तुम कहे आर तो होगा भी नहीं कभी, असली जिंदगी में तो आर नहीं होगा, असली जिंदगी में तो कुछ और होगा,
है ना, कोई भी चीज़ होगी, जैसे अमोनिया का एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, उसको समझेंगे। अच्छा आप देखो, ये देखो, अब इसका हम देखेंगे अर्धायु या हाफ लाइफ। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, क्या टॉपिक है अभी हमारा? शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। वैसे तो अर्ध आयु ऐसे लिखते हैं, लेकिन बुक में ऐसे लिखा है सीधा अर्धायु। और हाफ लाइफ, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है? हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है? तो हम कह रहे हैं वह समय जिसमें शून्य कोटि अभिक्रिया का अभिकर्मक आधा समाप्त हो चुका है। उसे हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ बोल देंगे। कोई दिक्कत है क्या? बुक में देखो क्या डेफिनेशन लिखी है हाफ लाइफ की हम लोगों ने। बुक में हमने हाफ लाइफ के लिए लिखा है, किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने की में जितना समय लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी अभिक्रिया में कि जो प्रारंभिक हमारे पास में सांद्रता है उसको आधा होने में जितना समय लगता है उसे हम अर्धायु कहते हैं। इसको मैंने अलग भाषा में लिख दिया थोड़ा सा, कि वह समय जिसमें शून्य कोटि अभिक्रिया का अभिकर्मक आधा समाप्त हो चुका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु कहते हैं। बुक वाले लिख लेना, ये लिख लेना, एक ही बात है। अब देखो समझो क्या होगी अर्धायु क्या होगी। तो हमने अभी अभी इक्वेशन क्या बनाई थी ये ध्यान रखें पहले तो आप लोग, इसी से ही सब कुछ हो जाएगा। क्या है इक्वेशन हमारे पास में? आर बराबर आर नॉट माइनस के टी, ये हमारे पास में इक्वेशन है। तो अब यहां पर हम कह रहे हैं कि यार अभिक्रिया हो रही है, तो शुरू में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में R का मान कितना है? R जो है सांद्रता जो है हमारे पास में वो कितनी है? R नॉट है शुरू में, तो सांद्रता हमारे पास में इतनी है। और समय हमारे पास में कितना है? T is equals to T zero होता है, लेकिन हमें ना थोड़े समय बाद बात कर रहे हैं, अर्धायु के बाद है ना। तो अर्धायु के लिए मैं इसी में लिख देता हूं कि शुरू में तो हमारे पास में आर नॉट, तो ये है हमारे पास में शुरू में, वह अर्धायु पर मतलब उतनी देर के बाद जब आधा खत्म हो चुका है सब कुछ, और शुरू में टी बराबर जीरो होता है तो उसको नहीं मेंशन कर रहे अपन। तो अर्धायु के लिए हम लोग क्या कहेंगे ध्यान से देखना। तो अर्धायु में आधे समय बाद जो हमारे पास में अभिकर्मक बचेगा ना, आर जो बचेगा वो शुरू के अभिकर्मक का कितना है? आधा है ना यार भाई, थोड़ी देर बाद आधे समय बाद आधा खत्म हो गया है तो कितना बचा है? आधा बचा है ना। तो हमारे पास में जो बाद का है अभिकर्मक, बाद की जो सांद्रता है वो कितनी है? आर नॉट बाय टू आ जाएगी ना, ये जो चीज है वो आर नॉट बाय टू हो जाएगी हमारे पास में। समझ में आई बात? और अर्धायु के लिए टी जो होता है ना उसको टी हाफ लिखते हैं हम लोग, जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? टी हाफ, मतलब ऐसे दिखाते हैं, उससे देख के पता चल जाता है कि अर्धायु के समय की बात हो रही है, ये अर्धायु के समय की बात हो रही है। सही बात है, करो देखो करो। तो इसमें मान रखो, मतलब मेरे को टी हाफ का मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसमें से। तो आर की जगह मेरे पास में सांद्रता कितनी है? तो आर नॉट है फुल सांद्रता है अपने पास में। थोड़ी देर बाद अर्धायु में जो सांद्रता है बचा हुआ जो कितना है, कितना बचा हुआ है हमारे पास में? अच्छा सॉरी, मैंने एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक की है, ये वाला हमारे पास में शुरू की सांद्रता है और ये वाला है हमारे पास में अर्धायु की सांद्रता, और माइनस में ये रहा हमारे पास में के टी हाफ हो जाएगा ये। तो इसमें से सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करो, इस चीज को यहां लाओ, इस चीज को यहां ले जाओ, तो क्या होगा हमारे पास में, क्या बचेगा? इस चीज को यहां लाओगे तो के टी हाफ बराबर हो जाएगा ये हमारे पास में शुरू की सांद्रता माइनस अर्धायु के बाद की सांद्रता हमारे पास में कितनी है? बटा टू। हल करोगे इसको कितना आएगा? आधा बचेगा हमारे पास में, तो के टी हाफ हमारे पास में आ जाएगा आर नॉट बटा टू।
तो यहाँ पर टी हाफ कितना बचेगा, अर्धायु कितनी बचेगी हमारे पास में, तो अर्धायु हमारे पास में बचेगी आर बटा टू के, क्या बचेगी टी हाफ बराबर आर नॉट ए जो भी लिखा है हमने प्रारंभिक सांद्रता वाला बटा टू के ऐसा। समझ गए क्या सब जने? ये अर्धायु के लिए सूत्र आ गया हमारे पास में। समझ गए क्या सब जने? अब मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इस पे क्वेश्चंस तुलनात्मक रूप से कम आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस किस पर आते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया करेंगे तो उस पर हम देखेंगे, फिर शून्य कोटि के लिए तुलनात्मक रूप से कम आते हैं, ये आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, एक अर्धायु तो है, एक आप आयु भी समझ लो। अगर मैं इसी टॉपिक को मैं पूरा ले लूं कि शून्य कोटि अभिक्रिया की आयु या पूरी लाइफ, क्या कह रहा हूं शून्य, ये होता नहीं है बुक्स में, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे अभिक्रिया की आयु, फुल लाइफ, पूरी अर्ध नहीं पूरी आयु, पूरी लाइफ कितनी है उसकी। तो देखो सूत्र हमारे पास में क्या है, तो सूत्र मैंने बोला अभी भी आपको कि यार आर बराबर आर नॉट माइनस के टी होता है, तो मैंने कहा ठीक है सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूं कि यार इसमें अगर मैं अभिक्रिया में ध्यान से देखूं, पूरी आयु की मैं बात कर रहा हूं, तो आपने शुरू में जो सांद्रता ली थी वो कितनी थी, आर नॉट थी। अभिक्रिया कैसे हो रही है, आर से क्या बन रहा है, पी बन रहा है। तो शुरू में आपके पास में ये था, पूरी जब अभिक्रिया खत्म हो जाएगी, जब आप यहां पहुंच जाओगे तो आर नॉट कितना बचेगा या आर कितना बचेगा, सांद्रता, आर की सांद्रता कितनी होगी, जीरो। आर तो खत्म हो जाएगा ना यार, जब अभिक्रिया पूरी हो गई, पूरा का पूरा उत्पाद बन गया, तो अभिकर्मक कितना बचेगा, जीरो। अभिकर्मक की सांद्रता कितनी बचेगी, जीरो बचेगी। और जो पूरा उसको होने में समय लगेगा, उस समय को हमने क्या बोला, टी आयु बोल दिया उसको, फुल लाइफ बोल दिया, या इसको अंग्रेजी में हम लोग LF लिख देते हैं लाइफ के लिए, कि पूरा समय उसको होने में कितना लग रहा है। तो थोड़ा सा अभी आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला शून्य कोटि की अभिक्रिया वाला। तो सर हमने इतना लिखा, अच्छा इसको करो देखो फटाफट से, मान रखो एक बार के लिए, तो बाद की सांद्रता हमारे पास में कितनी हो गई, जीरो। मतलब यहां से मैं लिख रहा हूं जीरो बराबर शुरू की सांद्रता कितनी है, आर नॉट है सर, ठीक है, माइनस का क्या है, के टी है हमारे पास में, और टी की जगह क्या आएगा यहां पे, आयु, कि उसकी पूरी आयु कितनी है। तो अब देखो इससे क्या पता चलेगा कि के टी जो है हमारे पास में वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, पूरी सांद्रता के। और इससे हमें पता चलेगा कि पूरी जो लाइफ है हमारे पास में वो किसके बराबर है, अपॉन के बराबर है। समझ में गए क्या सब जने? ये हमने पूरी लाइफ के लिए फॉर्मूला निकाला। देखो आधी लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या था, आधी लाइफ के आर अपॉन टू के है, आर नॉट अपॉन टू के है, और पूरी खत्म होने के लिए आर नॉट अपॉन के है, आधा है वो और यहां पूरा है, क्योंकि जो हमारे पास में अभिक्रिया है ना पूरी की पूरी एक ही वेग से हो रही है, तो इसीलिए पूरी थ्रू आउट वेग सेम है। मतलब जैसे मान लो इतने परिवर्तन में इतना समय लगता है, तो अगले इतने हिस्से में भी उतना ही समय लग रहा है परिवर्तन में, वेग पूरे में पूरी अभिक्रिया में सेम है। इसको अगर एग्जाम्पल से कुछ भी ऐसे रैंडम एग्जाम्पल से समझे, जैसे मान लो कोई हमारे पास में अभिकर्मक है 100 आर, थोड़ी देर में क्या होगा कि ये हमारे पास में हो जाता है लेट्स से 50 हो जाता है, और फिर यहां से ये जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो, कोई अभिक्रिया हो रही है, आर है हमारे पास में 100 ग्राम है मान लो, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ऐसा हमने मान लिया हमने ना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इतना होने में क्या है हमारे पास में, टोटल आयु कितनी है, यहां से लेकर यहां तक आने में समय कितना लग रहा है, टोटल आयु कितनी है इसकी हमारे पास में, तो ये हमारे पास में आर नॉट बटा के, और अर्धायु कितनी है, तो ये तो टी आयु था, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो टी अर्धायु कैसे लिखेंगे, हाफ से लिखेंगे, तो ये किसके बराबर है हमारे पास में, पीछे हमने फॉर्मूला देखा था आर नॉट बटा टू के, सही बात है। तो पूरे में इतना समय लग रहा है, उसके आधा ही तो हुआ है इधर, बटा टू ही तो हुआ है, और इतना ही समय, इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जाने में भी कितना समय लग रहा होगा, टी हाफ के बराबर ही होगा, और ये होगा हमारे पास में अपॉन टू के।
आ रही बात समझ में? लेकिन ये केवल तब है जब पूरी अभिक्रिया में वेग सेम है, ये प्रथम कोटि में लागू नहीं होगा, वहां तो अलग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में, वहां तो लॉग वॉग घुस जाएगा पूरा कैलकुलेशन में। यहां ऐसा नहीं है, यहां पूरे में सेम स्पीड से चल रहा है, इसलिए हम ऐसे ऐसे भी समझ पा रहे हैं इसको, जबकि वहां ऐसा नहीं होगा। वहां ऐसा होगा कि मान लो यार ये सांद्रता आपकी इसकी कम होती जा रही है तो वेग भी परिवर्तित होता जा रहा है, मान लो वेग भी कम होता जा रहा है अभिक्रिया का। समझ में आया क्या सबको? चलें देखें, तो एक यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इससे थोड़ा सा और समझ में आएगा हमें। ओके सर जी, यस सर, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। पूनम को भी समझ में आ गया है, आकाश को भी आ गया है समझ में, ठीक है, हर विंद्र को भी आ गया है समझ में, प्रिया को भी आ गया समझ में, बहुत ही बढ़िया। तो देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे हम कह रहे हैं कि माना कोई शून्य कोटि अभिक्रिया है हमारे पास में, मैं लिख रहा हूं यहां पे, लेट्स से माना कोई शून्य कोटि अभिक्रिया है, क्या है अभिक्रिया, लेट्स से ए से बी बन रहा है, जैसे अभी बच्चा कह रहा था ना कि सर ए भी नहीं लिख सकते क्या, आर लिखना जरूरी है, कुछ भी लिखो यार क्या फर्क पड़ रहा है। तो माना हमने ये अभिक्रिया है और इसमें ना 2 मिनट का समय लगता है 50% पूरा होने में इसको, तो हम कह रहे हैं माना कोई दो कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है ए से बी, और इसमें इसके 50% पूर्ण होने में 2 मिनट का समय लग रहा है, हमसे पूछ लिया कि मान लो जैसे ना 30% अभिक्रिया होने में कितना समय लगेगा, कुछ भी पूछ सकता है ना, है ना, ये हमसे सवाल पूछ लिया इसने। अच्छा ऐसे सवाल ज्यादातर बेटा आपका पूछेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के लिए इतने नहीं है, ये समझ के एग्जांपल्स लेंगे अपन, उसको खत्म करेंगे इस टॉपिक को और फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की कथा करेंगे। तो कुछ नहीं है, कह रहा है कि सर ए से बी हो रहा है जो भी हो रहा है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम समीकरण देख सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, दादी अम्मा वाला जो मेथड है हमारा, मतलब जो अभी हमने सीखा, वैसे तो इसमें क्या सीधा लॉजिक लग सकता है क्योंकि वेग चेंज ही नहीं हो रहा, तो सीधा ही लॉजिक लग जाएगा कि यार 1% को चेंज होने में इतना लगेगा तो 30% को होने में इतना लगेगा। जैसे हम क्या बोलेंगे कि यार 50% होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट का लग रहा है, तो 1% होने में कितना टाइम लगेगा, जैसे देखो 50% में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट, तो 1% में कितना लगेगा, 2/50 मिनट, पूछा कितना है, 30% में कितना लगेगा, तो 2/50 × 30, ठीक बात है क्या, 0 से 0 खत्म करो, 2 × 3 = 6/5 आ जाएगा, 6/5 मिनट, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.102 मिनट्स, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो चलो लॉजिक समझ में नहीं आएगा इसमें, और लॉजिकली करके देखेंगे हम थोड़ा सा इसको, लॉजिकली कैसे होगा, तो हम कह रहे हैं यार ए से बी बना, सूत्र जो अभी हमने डिराइव किया ना उसकी हेल्प से करके देखेंगे हम, तो हम कह रहे हैं ए से बी बना है और 50%, तो हम एक मान लेते हैं ना कि हमारे पास में, तो सर ये हमारे पास में सूत्र है, ये हमको काम में लेना है कि आर बराबर आर नॉट माइनस के टी होता है, सर ये हमको काम में लेना है। तो हमने कहा कि यहाँ पर माना कि जब अभिक्रिया शुरू हुई थी ना, माना जब अभिक्रिया शुरू हुई थी तो जो ए की सांद्रता है हमारे पास में वो कितनी है, ए शुरू में कितना है, ए नॉट है हमारे पास में, शुरू हुआ था तो सर ए नॉट था, ठीक है, और इस ए नॉट को मैंने मान लिया 100, क्योंकि परसेंटेज में बात चल रही है ना, परसेंटेज में चल रही है, क्या दिक्कत है, 100 ग्राम लिया है हमने, ठीक है सर मान लिया, सर कितना लिया, 100 ग्राम लिया है, तो 50% हो गई अभिक्रिया, मतलब 100 लिया था आपने
और आधी अभिक्रिया हो गई है, आधी अभिक्रिया हो गई मतलब अब ए कितना बचा है आपके पास में, 50 बचा है, 50 ग्राम बचा है आपके पास में, मतलब कि बाद में जो हमारे पास में ए है वो कितना बचा है हमारे पास में थोड़ी देर बाद में, तो थोड़ी देर बाद में जो ए है हमारे पास में वो कितना बचा है, 50 बचा है, हमें ये देखना होता है बचा कितना, तो 50 बच गया क्योंकि 100 में से माइनस किया 50 को तो 50 ही बचा, ठीक है सर समझ में आ गया। टाइम कितना लगा इतना होने में, 2 मिनट, मतलब ये सांद्रता बची हुई सांद्रता, बाद में कितना बच रहा है सर, खत्म नहीं हुआ, ये नहीं देखना कि खत्म कितना हो गया, वो तो 50-50 दोनों नंबर इक्वल आ गए यहां पे, तो 50 बचा है। अच्छा ठीक है, तो अब इसको रखो इसमें इक्वेशन में, तो क्या आएगा हमारे पास में, तो आ जाएगा 50 बराबर शो माइनस के इंटू 2 मिनट, ओके, तो के का मान हम इसमें से निकाल सकते हैं, के का मान, तो के का मान कैसे निकालेंगे, इस सबको यहाँ ले आओ, तो 2 मिनट लेट्स से इंटू के लिखा है बराबर 100-50 कर देंगे, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, के बराबर हमारे पास में बचेगा 50/2 बचेगा, कितना आ जाएगा सर 25, मात्रक पे मैं नहीं जा रहा अभी, वो समझ लेंगे अपन बाद में, मात्रक वात्रक का दिमाग लगाते रहेंगे, सांद्रता और समय है दोनों चीज़ें हैं, तो सांद्रता इनवर्स और सेकंड इनवर्स जो है हमारे पास मात्रक, ठीक है। तो अब ये लिख लिया हमने, अब हमारे पास में दूसरा केस है, अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, ये तो पहला केस था जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी, दूसरे केस में हमें क्या कह रहा है, 30% अभिक्रिया होने में कितना लगेगा समय, तो मतलब 100 लेंगे, 100 ए लेंगे अपन, और 30% का मतलब होगा कि ए कितना बचेगा हमारे पास में, तो 30% हो जाएगी अभिक्रिया, बचेगा कितना 70, तो 70 बचेगा, 70 ए क्या बचेगा, ए 100 ग्राम आपने लिया था, 30% हो गई, 30 ग्राम खत्म हो गया, 70 ग्राम बचा है अब हमारे पास में, उसमें कितना समय लगेगा। अब देखो यहां पे जो के का मान है, और के का मान तो यहां पर भी वही है, के का मान जो यहां है यहां पर भी वही है, तो अब हमारा काम हो जाएगा ना, अब इस सूत्र को वापस काम में लेना है कि जब अभिक्रिया हमने शुरू की थी तो हमारे पास में सांद्रता कितनी थी, 100 थी, अभिक्रिया जब हम लोगों ने देखा 30% होने के बाद कितना बचा था हमारे पास में अभिकर्मक, तो हमारे पास बचा था 70 बचा था सर, तो 70 बराबर 100 माइनस के इनटू टी लिखेंगे, के कितना हमारे पास में 25 है और टी का टी है, टाइम आ जाएगा हमारे पास में इस समीकरण से, करके देखो देखो सही आता है कि नहीं आता, तो इस चीज को यहां लाओ, तो ये 25 इंटू टी हो जाएगा बराबर 100 माइनस 70 हो जाएगा, वही चीज 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा 25, टी इज इक्वल्स टू 30, तो हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 25, तो ये 5 से भाग दोगे तो 5×6 30, 5×25 होता है, 6/5 को सॉल्व करोगे तो वही चीज आएगी 1.2 मिनट। आपने खत्म भी कर दी क्लास, मैंने भी बच्चों से वादा तो यही किया था कि जल्दी क्लास खत्म करेंगे, अब ये मेरे को कोस रहे होंगे कि सर आप झूठे हो सर, एक नंबर के, आपके नाम के आगे भली सचवानी लिखा हुआ रहता है लेकिन आप झूठे हो सर। तेजस्वी कह रही मैं राजस्थान घूमने की वजह से बहुत लेट हो जाती हूँ हर रोज क्लास में, राजस्थान घूमने आई हुई है। हाँ चमन वो कर देंगे बेटा, वो कल अपलोड होगा ना, आज नहीं होगा, कल परसों ऐसे अपलोड होगा। हाँ मेरे को लगा सर बच्चों का बता रहे हो कि बच्चे बाय बाय बोल रहे हैं कि सर अब जाओ सर अब बस अब बस सर। 1.2 मिनट का मतलब कितने सेकंड होता है यार, ये तो तुम निकाल ही लो ना, 1 मिनट 60 सेकंड से 60 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा आंसर आपके पास में, ठीक है बोलो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस वो प्रतिशत बदलता रहेगा इधर उधर इधर उधर, इस समीकरण को लेके चलना है हमें, और इसमें जीरो कोटि में शून्य कोटि में कम आते हैं क्वेश्चंस, प्रथम कोटि में ज्यादा आता है मेरे दोस्त, तो ये बात बस आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान देनी रहेगी। अच्छा अब लास्ट बस उदाहरण देख लो फिर चलते हैं, मैं भी खत्म करता हूं। बुक में 2 ही उदाहरण हमें दिए हैं इसके, प्रथम कोटि अभिक्रिया के, ज्यादा होती नहीं है प्रथम कोटि अभिक्रिया, थोड़ा सा मैं भाषा भी पढ़ के बताता हूं आपको बुक की क्या लिख रहा है, बुक में शुद्ध हिंदी, बुक कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया अपेक्षाकृत असामान्य है, डिंगलिंगलिंगलिंगलिंग
गुड। अरे नहीं भाई तू बंद मत हो यार, ऐसे नहीं, एक पन्ना और चाहिए अपने को। एक कागज की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, औरत के सर का ताज होता है। वाह 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 वा। तो कापी पेसट करेंगे इधर, इसको माइनस वा डिलीट वा करेंगे अपन, इसको खोलेंगे ऐसा बड़ा। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, सबसे पहली बात जो किताब में लिखी है वो है असामान्य होती हैं, करेक्ट है। दूसरी चीज, किंतु विशेष परिस्थितियों में यह घटित होती हैं। कुछ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं तथा धातु सतहों पर होने वाली अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। कुछ एक अभिक्रियाएं हैं, कुछ एक कैसी हैं, एंजाइम उत्प्रेरित, एंजाइम उत्प्रेरित व कुछ एक धातु सतहों पर होने वाली अभिक्रिया। अब ये जो धातु सतह वाली होती है ना, उसमें जो धातु की सतह होती है वो उत्प्रेरक की तरह काम करती है। उदाहरण देखो क्या है, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन। देखो उच्च दाब पर क्या है हमारे पास में, अमोनिया लिया है हमने 2 times NH3 और यहां पर इसको गैसीय स्टेट में लिया है हमने उच्च दाब पर और उच्च ताप पर। तापमान कितना है हमारे पास में 1130 केल्विन, और फिर हमने क्या लिया है यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक लिया है। कुछ भी नहीं है प्लेटिनम, बस क्या है हमारे पास में प्लेटिनम की सतह पर हो रही है अभिक्रिया उच्च दाब, और साथ ही साथ में आप यहाँ पे लिखो उच्च दाब। एक मस्त चीज बताता हूँ अभी मैं इससे रिलेटेड, आपको बुक में ही लिखी है वो, उसको समझना थोड़ा सा, फील करोगे तो मजा आएगा। उच्च दाब पर ये जब अभिक्रिया होती है तो हमारे पास में N2 और H2 बनता है वियोजन होकर के। N2 बनेगा प्लस H2, हमारे पास में दोनों ही गैसेस बनेंगी, और इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बस। ठीक बात है, N2 H2 हमारे पास में बन रहा है। और इसके लिए अगर हम वेग व्यंजक यहाँ पर लिखेंगे ना, तो क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो वेग व्यंजक आएगा K और यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा NH3 और इसकी पावर आएगा 0, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझने की, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बुक हमें कह रही है कि यार ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें N2 का और 3H2 का बनना इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि NH3 कितना है, मतलब इनकी जो बनने की दर है हर सेकंड कितने बनते जा रहे हैं N2 और H2, ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि इसको कितना ज्यादा या कितना कम लिया है आपने। अच्छा सर कैसे पॉसिबल है ये? तो बुक हमको ये कह रही है कि मान लो यार ये प्लेटिनम धातु है, PT धातु है, तो कह रही है कि यार हम NH3 की गैसेस जो है ना, गैस के जो भी अणु हैं उनको हम उच्च दाब पर लेते हैं, हाई प्रेशर पर। तो उच्च दाब का मतलब क्या होता है, हर तरफ से इन पर प्रेशर लग रहा होता है, घुसो रिएक्शन करो बे, टूटो बे, टूट जाओ, चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, मतलब पहले ये घुसे मरे पड़े रहते हैं, इन पर दाब लग रहा होता है ना बहुत ज़्यादा। एनर्जी तो ज़्यादा होती है, ताप भी हमने उच्च लिया है, लेकिन दाब ज़्यादा का मतलब है आप कह रहे हैं यार आप कुछ और बदल लो, कर लो कुछ और। इस सतह पर जितने अणु आए हुए हैं वो किसी और बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहे भाई, पहले तो अभिक्रिया होनी की होगी जो सतह पर है। अब दाब ही आपने इतना ज्यादा कर रखा है कि और किसी बात पर निर्भर ही नहीं कर रही अभिक्रिया, तो ये अगर थोड़ा भी होगा तो भी उसकी गैस के सारे अणु पड़े ही होंगे नीचे, ज्यादा भी लोगे तो भी उसके सारे के सारे अणु पड़े ही होंगे नीचे, सरफेस पर जाके चिपक करके बैठे हुए होंगे। तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा ना कि ये कितना है, रेट उस पर डिपेंड नहीं कर रही, सिंपल। देखो इसको लिखा भी इसने सुंदर सुंदर भाषा में, इसने लिखा है इस अभिक्रिया में प्लेटिनम की सतह उत्प्रेरक का कार्य करती है, ठीक है। उच्च दाब पर धातु की सतह गैस अणुओं से संतृप्त हो जाती है। उच्च दाब पर क्या होता है, धातु की सतह गैस के अणुओं से संतृप्त होती है, बहुत होते हैं गैस के अणु। अच्छा ठीक है, इसलिए अभिक्रिया की परिस्थितियों में और अधिक परिवर्तन धातु सतह पर उपस्थित अमोनिया की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो अगर आप अभिक्रिया की बाकी परिस्थितियां बदल भी दोगे ना, अगर आप बाकी परिस्थितियां बदल भी दोगे तो ये कह रहा है धातु सतह पर उपस्थित अमोनिया की मात्रा नहीं बदलेगी, क्योंकि मात्रा किसके कारण है, दाब के कारण है। तो बाकी कुछ और परिस्थिति में छेड़छाड़ आप कर भी लोगे तो भी यहाँ पे गैस के परमाणु अणु जो है वो तो खूब सारे हैं ही ना पहले से, बस इतनी सी बात है।
अतः अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भरता से स्वतंत्र हो जाता है। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रिया की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, ये यहां पर वन हो जाएगा, के पर ही डिपेंड कर रहा है, बस के ही इक्वल है, वेग बात खत्म। इसका एक और उदाहरण है हमारे पास स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन। एक और उदाहरण क्या है हमारे पास में, सोने की सतह पर, ये उदाहरणों की बात की हमने, एक उदाहरण इसकी बुक में चर्चा की गई है पहला, और दूसरा उदाहरण है हमारे पास में सोने की सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन। बस ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है और ज्यादा एग्जांपल नहीं है, ज्यादा होती भी नहीं है, असामान्य है, पहले लिख दिया था हमने, अनकॉमन है, मतलब इतनी आसानी से बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी देखने को नहीं मिलती। इट मीन सर ये रिएक्शन प्रेशर पर डिपेंडेंट है, हाँ कह सकते हैं प्रेशर पर डिपेंडेंट है, लेकिन शून्य कोटि का मतलब है अभिक्रिया की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसा हरविंदर सिंह कह रहा है, हाय प्रिया गुप्ता आई लाइक यू। बेटा मैं तुम लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, तो बहुत अच्छा होगा कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ पे चैट में फालतू की बातें ना करो, नहीं तो मैं इतना पसंद करता हूँ ना तुमको कि तुम्हारे 90% नहीं आएंगे, 95% तो मेरे को दुख होगा, तो इसलिए मैं डंडा लेके तुम्हारे घर आ जाऊँगा, इतना पसंद करता हूँ मैं तुमको, ठीक है। हाँ हाँ तुम्हारी, अब अभी देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट्स हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर सचू भैया नोट्स कब दोगे, तेजस्वी कह रही है, फिर जयशंकर कह रहा है कि सर एनडी की तैयारी नहीं, हरविंदर क्या था, हाँ राखी कह रही है कि सर हमारी नन्ही नन्ही आँखों का ख्याल रखा जाए, तो बेटा मेरी भी तो नन्ही आँखें हैं ना, मेरे को भी किताबों में देख के तुम्हारे नोट्स बनाने होते हैं, मेरे को भी कॉपी में लिखना होता है, मेरे को डिजिटल आईपैड पे लिखना होता है, मेरे को यहाँ पे इतनी सारी लाइटों में खड़ा रहना होता है, सब मतलब भी हो, मैं तुम सबको बता रहा हूँ, तुम सब बहुत ज़्यादा मतलब भी हो, मैं 2 दिन की छुट्टी लेके जा रहा हूँ, फिर मैं बना दूंगा तुम्हारे नोट्स, है ना। वो डिजिटली कन्वर्ट करने में आईपैड पे थोड़ा सा समय लगता है, ताकि तुम लोगों को फ़ोन में बहुत साफ साफ दिखे, तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, आप चिंता ना करें उसको, और अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आते जाएंगे आपके, आप उनको प्रैक्टिस करें, डाउट्स अगर हैं आपके तो आप डाउट ग्रुप्स में डालें, और बस ऐसे ही पढ़ाई करें। कल सुबह 10 बजे एक स्पेशल वीडियो आ रहा है, वीडियो में 10th क्लास का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है बच्चों का, एक बच्चे ने आज सुबह मिठाई भेज दी यहाँ पे, उनके 97% बने, तो उन्होंने मिठाई भेज दी यहाँ पे, प्रियांशु ने तो मिठाई खाई, सब जने बड़े खुश हो रहे थे, ऐसा लग रहा था अपने परिवार के इतने सारे, ऐसे 12-13 बच्चे आ चुके हैं जिनके 90 से भी ज़्यादा परसेंटेज बनी है, तो उनके बारे में आप लोगों को बताने के लिए कल सुबह 10 बजे एक वीडियो आ रहा है, उसको आप प्लीज़ शेयर करें, ताकि 10th क्लास के बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस साल भी लर्नरशिप से पढ़ें और उनको भी ऐसा फ़ायदा मिले बहुत ज़्यादा, और रोशन करें नाम इतने सारे लोगों का। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।